दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल VGR Blogs में। दर्शकों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि ये जो वरुणा का काम है, वरुणा जो कॉरिडोर है उसका जो काम है वो दोस्तों होने वाला है, और वरुणा की जो सफाई है वो भी मतलब इसराइल की कंपनी उसको इसका ठेका दिया गया है। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा कि जो गंगा जी हैं वो तो लगातार बढ़ी रही हैं, लेकिन सिटी के अंदर दोस्तों बहती है वरुणा नदी। तो उस वरुणा नदी का क्या ताज़ा तरीन जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आप देखकर निश्चित तौर पे आपको यकीन हो जाएगा कि ये देखिए गंगा जी के साथ साथ वरुणा जी कितनी बढ़ रही हैं, और अब जो किनारे के घाट हैं वो अब डूबने के कगार पे हैं, और जो किनारे बस्तियां रहती हैं वहाँ भी लोग अब मतलब पलायन की ओर जल्द ही अग्रसर होंगे। आइए देखते हैं आगे वीडियो में। तो निवेदन रहेगा कि वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और कोई भी जानकारी आप लोगों से छूट न जाए। आइए आज की वीडियो करते हैं शुरुआत, और मैं आप लोगों को आगे की जो चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि वरुणा जी जो है वो पूरी फुल हो चुकी हैं, पूरा ये पानी जो है भर गया है। ये देखिए इधर तक, पूरा यहाँ तक पानी भर गया है, और इधर आप देख सकते हैं कि पुल है वो भी वहाँ तक डूब चुका है। ये देखिए, तो दोस्तों ये जो सामने आप नदी देख रहे हैं ये है वरुणा नदी, जो कि अब अपने खतरे के निशान से ओवर हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये नदी जो है पूरा भर चुकी है, और अब जो मतलब किनारे के क्षेत्र हैं वो डूबने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, इस रास्ते में चल के आपको पिछली बार वीडियो बनाया था और वो डूब चुका है। तो ये जो सामने आप घाट देख रहे हैं दोस्तों, ये है वरुणा नदी किनारे बना हुआ एक लोक चैतन्य संस्था द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित होती है। तो दैनिक यहाँ पे संध्या के लिए दोस्तों एक घाट बना हुआ है जो कि अब डूबने की कगार पे है। ज़्यादातर वो हिस्सा जो है वो डूबी गया है, और ऊपर से तो मैंने आपको दिखाया है कि जो वरुणा जी हैं वो कितना बढ़ गई हैं। अभी मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ कि वरुणा जी हैं जो उनका पानी कितना ज़बरदस्त बढ़ गया है, और इसी तरह अगर लगातार ये बढ़ती रहीं तो जो यहाँ पर किनारे बसे लोग हैं वो लोग तो डूब जाएंगे। बता दूँ आपको कि जो पानी है ये सारा अभी कुछ ही दिनों में डूब जाएगा, जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है। और इधर भी आप देख सकते हैं जो घाट आप देख रहे हैं ये अब डूबने वाला है। ये देखिए, ये अब जल्दी ही डूब जाएगा, और यहाँ पर कुछ हमारे जो मित्र हैं वो फोटो सेशन कर रहे हैं। ये जो घाट था दोस्तों, अखिलेश जी के ज़माने में शिवपाल सिंह यादव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री घाट, जो कि आप देख ही सकते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये टावर, हम लोग इसको पर्सनल अपना बनारसी एफिल टावर कहते हैं। ये पूरा आपका पानी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ तक आ गया है घाट पूरा, ये डूब गया है आगे तक आपका घाट है। और मंदिर जो आप देख रहे हैं ये भी आपका डूब जाएगा कुछ ही टाइम में। मंदिर इस वक्त सजा हुआ है लेकिन जल्दी ये डूब जाएगा दोस्तों। ये आपका वाराणसी में आने का रास्ता है, और ये आपका जाने का रास्ता है। इस साइड से लोग आते हैं और इस साइड से जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे पानी में से चल के जाना पड़ेगा। रुकिए, आपको यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ। ज़बरदस्त, बिल्कुल यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये देखिए लबालब वरुणा नदी जो है पूरा, ये जो पानी है दोस्तों भर चुका है, वरुणा बिल्कुल फुल है और अपने निशान से ऊपर बह रही है। दोस्तों देखिए, पुल जो है उसका खंभा दोस्तों आधे से ज़्यादा डूब चुका है। वो देखिए आप, बारिश इस वक्त हो रही है दोस्तों, मैं बारिश में ये शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा हो पानी में, आप देखिए जो बारिश है वो हो रही है और थोड़ी तेज़ हो रही है दोस्तों। पिछली बार मैंने आपको वहाँ से वीडियो बनाई थी जो कि अब डूब चुका है दोस्तों, वहाँ पर जाना अब संभव नहीं है। ये देखिए, तो यही दिखाने के लिए मैं आज आपको आया था दोस्तों। बहुत सारे लोग थे जो गंगा जी का जलस्तर तो दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा कि कम से कम जो वाराणसी जो लोग आने वाले हैं तो उनको ये चीज़ पता रहे कि वाराणसी में अभी तो हालात सामान्य हैं,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बाढ़ से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आती है, पानी आपका, मैं बता दूं कि ये पूरा आपका डूब जाएगा जितना आपको दिख रहा है। पानी आपका वहाँ तक जाता है जो आप लाल वाली सीढ़ी देख रहे हैं, दूसरी वाली, उसके ऊपर तक हो सकता है। बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो वहाँ तक जाएगा, और ये सब आपका, ये पूरा जहाँ मैंने गाड़ी वाड़ी आपको दिख रही है, सब डूब जाएगा दोस्तों वहाँ तक, ऊपर तक, अगर पानी बहुत बढ़ा तो। और इधर पूरा तो आपको मैंने ऊपर से दिखाया ही कि वो डूब जाएगा पूरा। और इधर भी आप देख लीजिए, वो जो आपका रेलिंग आप देख रहे हैं, वो रेलिंग है दोस्तों आपका वरुणा कॉरिडोर का, जब निर्माण हो रहा था अखिलेश जी के ज़माने में, तो वो शुरू किया गया था, लेकिन बाद में उसको फिर और मतलब वो पूरा नहीं हो पाया। बहुत साल तक काम जो है वो चलता रहा। अब वो क्यों चलता रहा दोस्तों, आप जान ही रहे पहले सरकारी काम कैसे होता था। अभी तो मान लीजिए टेंडर वेंडर थोड़ा नए नए लोग आ गए, नई नई कंपनियाँ आ गए, नए अफसर आ गए, तो थोड़ा ढंग से काम करते हैं, लेकिन पहले, अभी तो ठीक हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, वो जो कॉरिडोर बनाया गया था वो डूब गया है दोस्तों, मतलब वो उस साइड भी पानी चला गया है उसके। तो वो जो था वो एक पाथवे था, पाथवे अब डूब रहा है। और सामने आप देख सकते हैं इस साइड भी, ये जो मंदिर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, जो मंदिर का हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं खड़े होकर दोस्तों लोग रील बनाते थे। नीचे तक आपका घाट है, यहाँ से करीब जो सीढ़ी है वो आपका वहाँ तक है, यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक आगे आप जाएंगे, आगे तक वहाँ जाके सीढ़ी है दोस्तों, देखिए भर गया है। तो सीढ़ी काफ़ी आगे तक है दोस्तों, जहाँ तक आपको बोतल शायद दिख रही होगी वहाँ तक दोस्तों सीढ़ी है। तो वहाँ से पानी यहाँ तक आ गया है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ऊंचा स्थान है दोस्तों इसलिए डूबा नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ तक ये डूब गया है। ये देखिए इस साइड पूरा ये डूब चुका है। ये देखिए दोस्तों पानी आप देख लीजिए पूरा, ये घाट, यहाँ तक जो घाट था वो पूरा, जहाँ तक आप रेलिंग देख रहे हैं वहाँ तक घाट है दोस्तों, वो पूरा डूब गया है। मतलब आप उसके सीध में आएंगे तो यहाँ तक पूरा डूब गया है, और ये डुबान आपका यहाँ तक आया है। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ से पटिया है दोस्तों, यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, मतलब एक फ्लोर छोड़ के, जैसे वो देखिए आप, दो सीढ़ी छोड़ के फिर ऐसा बनाया, फिर दो सीढ़ी छोड़ के ऐसा बनाया, इस टाइप का यहाँ पर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये हर जगह दो दो फ्लोर करके यहाँ पर बनाया हुआ है। तो वो जब पानी जो है वो आपका यहाँ तक आ गया है, तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप देख लीजिए, ये है ताज़ा तरीन स्थिति। वहाँ पे देखिए काफ़ी गहरा मुझे दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक भंवर टाइप का बन रहा है, आपने देखा होगा जहाँ पानी बहुत गहरा रहता है वहाँ पे एक भंवर टाइप का बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर जो खाली जगह रहती है वहाँ पानी जाने की कोशिश करता है, इसलिए गोलाकार टाइप की आकृति बन जाती है वहाँ पे दोस्तों। तो देखिए बन रहा है वहाँ पर। चलिए अभी दोस्तों बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं काफ़ी ठीक ठाक भीग गया हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा और नहीं करूँगा। क्या मुझे यहाँ से कूदना पड़ेगा? हाँ दोस्तों मुझे यहाँ से कूदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी बनवा देना चाहिए इनको, है बताइए, सीढ़ी भी नहीं बनवाए हैं, ऐसे ही घूमना पड़ रहा है हम लोग को। तो काफ़ी साफ़ सुथरा दोस्तों ये घाट रहता है, गंदगी वगैरह यहाँ आपको दिखेगी नहीं। ऐसा नहीं कि बारिश हुई है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये वैसे भी साफ़ सुथरा घाट रहता है दोस्तों, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लगता है, आरती दोस्तों यहाँ शाम को होती है। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये यहाँ पे बजरंगबली की मंदिर है, ये देखिए हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, हनुमान मंदिर विकास समिति इसको संचालित करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोग को आई होगी पसंद। यदि आपको वीडियो आई हो पसंद तो निवेदन रहेगा कि ज़रूर से ज़रूर हमारे जो चैनल है उसको आप लोग कीजिएगा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, साथ में कीजिएगा कमेंट, जिससे कि मुझे आप लोगों की जो राय है वो पता चलती रहे, और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की ताज़ा तरीन स्थिति के साथ वीडियोज़ जो है वो लाता रहूँ। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ समाप्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।